अब आपको सीधा ये चलेंगे रोहतक, जहां पर कि जेजेपी की अहम रैली में नैना चौटाला लोगों को संबोधित कर रही हैं। मैं माता शक्ति ने मुझे एक और काम कहा था कि आज जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने हरियाणा को डिजिटल हरियाणा बना के छोड़ दिया, मैं उनसे पूछूंगी कि जिन माओ के सिर पे दो दो घड़े पानी जो लेकर आती है, कहां गए वो डिजिटल इंडिया। और एक बात और मेरी मातृशक्ति ने मुझे सबसे ज्यादा हरी चुनरी चौपाल में कही है, वो ये कही है उन्होंने कि बेटा ये शराब के ठेके गांव से बंद करवा दो। तो मैं दुष्यंत से कहना चाहूंगी कि महिलाओं के सिर से घड़ा उतरवा दे। मेरी मातृशक्ति से कहने पर ये शराब के ठेके जो है वो गांव से बाहर करवाने का काम करो दुष्यंत। ये माओ की आवाज है, ये माओ का आदेश है, ये आपको मानना पड़ेगा। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ, पर मेरे बाद भी बहुत सारे वक्ताएं जो है वो बोलने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों से कहूंगी एक बार फिर कि इस खड़ी रैली में आने के लिए पूरे हरियाणा वासियों का, एक एक मेरी मातृशक्ति का, एक एक मेरे बड़े बुजुर्ग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए तालियों की गड़गड़ाहट दिवस है और इसी को लेकर रैली का आयोजन रोहतक में किया गया है। जेजेपी की रैली है, लाइव आप सुन रहे थे नैना चौटाला को। आपको बता दें कि जन सम्मान दिवस का आयोजन पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है। जन सम्मान दिवस रैली है ये, रोहतक में इसका आयोजन किया गया है जेजेपी की तरफ से। और हरियाणा के राजनीतिक लिहाज से कह सकते हैं कि काफ़ी अहम ये रैली है। आदर्श आचार संहिता हरियाणा में लग चुकी है और आचार संहिता लगने के बाद ये पहली रैली है किसी भी राजनीतिक दल की।